ब्रेकिंग एट 10 में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, जम्मू कश्मीर से ये बेहद अहम खबर है। HLG लॉन्च करेगी जियो 5G सर्विस। राजभवन में इस तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, इसकी लॉन्चिंग होना है आज शाम 4:30 बजे। ये अहम लॉन्चिंग होना है, तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, HLG लॉन्च करेगी जियो 5G सर्विस। राजभवन में आज शाम 4:30 बजे ये लॉन्चिंग तकरीब मुनाकिद की जाएगी। तो बेहद अहम खबर, जिस तरह से लगातार हम और एक और अहम खबर आपको दे दें, आर्थिक संकट से जूझ रहा है पाकिस्तान, संकट के बीच DHL। तो बेहद अहम खबर इस वक्त की आपको दे दें, आर्थिक संकट से जूझ रहा है पाकिस्तान, संकट के बीच DHL। पाकिस्तान का बड़ा फैसला, ऑपरेशन में कटौती करने का निर्णय लिया गया है। डॉलर में कमी, रेमिटेंस आउटफ्लो पर भी प्रतिबंध के बीच DHL पाक का बड़ा फैसला। मनोज गुप्ता का मेगा एक्सक्लूसिव इनपुट है ये। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, आर्थिक संकट से जूझ रहा है पाकिस्तान, संकट के बीच DHL। पाकिस्तान का बड़ा फैसला, ऑपरेशन में करने का निर्णय लिया गया है। डॉलर में कमी, रेमिटेंस आउटफ्लो पर है प्रतिबंध के बीच DHL पाक का बड़ा फैसला। मनोज गुप्ता का मेगा एक्सक्लूसिव इनपुट। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, मनोज गुप्ता का मेगा एक्सक्लूसिव इनपुट है ये, जिसके मुताबिक भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहा है पाकिस्तान और इस संकट के बीच DHL पाकिस्तान का बड़ा फैसला, ऑपरेशन में कटौती करने का फैसला लिया गया है। डॉलर में कमी, रेमिटेंस आउटफ्लो पर है प्रतिबंध के बीच DHL पाक का ये फैसला। मनोज गुप्ता का मेगा एक्सक्लूसिव इनपुट आपको दे रहे हैं। तो ये बेहद अहम खबर, आर्थिक संकट से जूझ रहा है पाकिस्तान और इस संकट के बीच DHL पाकिस्तान का बड़ा फैसला, ऑपरेशन में कटौती करने का निर्णय, डॉलर में कमी, रेमिटेंस आउटफ्लो पर है प्रतिबंध के बीच DHL पाक का बड़ा फैसला, मनोज गुप्ता का मेगा एक्सक्लूसिव इनपुट जो है ये आपको दे रहे हैं। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भयंकर आर्थिक संकट देखा जा रहा है, लगातार इस पर आपको हम तमाम तर अपडेट दे रहे हैं। और इस बीच ये भी खबर है, इस संकट के बीच DHL पाकिस्तान का बड़ा फैसला, ऑपरेशन में कटौती करने का निर्णय। डॉलर में कमी, रेमिटेंस आउटफ्लो पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, प्रतिबंध के बीच DHL पाक का फैसला। और ये तमाम जो खबर है, मनोज गुप्ता का मेगा एक्सक्लूसिव इनपुट। और एक और ब्रेकिंग आपको दे दें, तरहामा कुंजर से ये खबर है, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। खनन माफियाओं के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। टिपर, 2 ट्रैक्टर सीज किए गए हैं, खनिज से लदे वाहनों को यहां सीज किया गया है। तो ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम ब्रेकिंग आपको दे दें, तरहामा कुंजर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। टिपर, 2 ट्रैक्टर सीज किए गए हैं, खनिज से लदे वाहनों को सीज किया गया है। और
अहम खबर जिस पर लगातार हम बने हुए हैं। बैंकर आर्थिक संकट से जूझ रहा है पाकिस्तान। संकट के बीच डीएचएल पाकिस्तान का बड़ा फैसला। ऑपरेशन में कटौती करने का निर्णय। डॉलर में कमी। रेमिटेंस आउटफ्लो पर प्रतिबंध। और तमामतर ये मनोज गुप्ता का मेगा एक्सक्लूसिव इनपुट है जो आपको दे रहे हैं। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अपडेट के साथ हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो भयंकर आर्थिक संकट के बीच से गुजर रहा है, और अब एक ये नए जो चीज है वो सामने आई है, इस पर डिटेल्स चाहेंगे आपसे। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान में हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं और आईएमएफ के लोन के लिए लगातार कोशिश जारी है पाकिस्तान में, ऐसे में ये खबर आना कि जो डीएचएल है उन्होंने अपनी सर्विसेज को, अपने ऑपरेशंस को रिड्यूस कर दिया है पाकिस्तान में, तो अच्छी खबर नहीं है। हालांकि ये शुरुआत है कि जिस तरह से धीरे धीरे पाकिस्तान में अब जो कंपनीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो ठप होने लगी हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तान के पास जो रिजर्व्स हैं डॉलर्स का, वो खत्म होता जा रहा है, और इस पे पाबंदी लगा दी गई है कि अब जो फॉरेक्स है उसको खर्चा नहीं किया जाएगा। यानी कि जो ऑपरेशंस बाहर की कंपनियों के लिए, जो ऑपरेशंस जो बाहर की कंपनियां करती है पाकिस्तान में, जैसे जिसमें डीएचएल शामिल है, या जो प्राइवेट शिपिंग कंपनीज, फॉरेन शिपिंग कंपनीज हैं, वो भी अब धीरे धीरे पाकिस्तान से जो ऑपरेशंस है वो उसमें रिडक्शन कर सकती है, यानी कमी ला सकती है। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट होता है वहां का टेक्सटाइल है, तो ऐसे में अगर टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगती है तो जाहिर तौर से पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको एक बड़ा झटका मिल सकता है। और वही इसकी शुरुआत डीएचएल से हुई है, जिससे डीएचएल ने कहा है कि रेमिटेंसेज, यानी कि जो जो डॉलर को खर्च करने की जो जो परमिशन है उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो ऐसे में जब तक आईएमएफ को लोन नहीं मिलेगा तब तक पाकिस्तान के लिए राहत नहीं मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ जो ऑपरेशंस हैं, जैसे हमने ये भी देखा है कि क्योंकि पाकिस्तान में जो रॉ मटेरियल की बात करें, या हम कहें कि जो मेडिसिन की अगर जो इंपोर्ट करता है पाकिस्तान, उसमें भी कमी देखी गई है पिछले दिनों के अंदर, क्योंकि रिजर्व में पैसा बचा नहीं है, रिजर्व में डॉलर बचा नहीं है, इसलिए पाकिस्तान की इकोनॉमी और वीक होती चली जा रही है, और उसका सीधा असर वहां की जनता पर, वहां की आवाम पर हो रहा है। शैलेंद्र, आपसे हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे। ठीक है, लगातार हम तमामतर जो हमारे पास खबरें हैं वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके जो नतायज हैं, वो आने वाले बहुत वर्षों तक कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भुगतना ही पड़ेंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एक एक करके जिस तरह से खबरें आ रही हैं वो यही चीज दिखाती हैं। देखिए, जाहिर तौर पर पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात जो है वो बोल बिल्कुल अच्छे नहीं है, और हमने हाल ही में देखा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी ऑस्टेरिटी मेजर्स अनाउंस करने पड़े, और ये कहना पड़ा कि सरकार किस तरह से कटौती करेगी अपने बजट में, अपने खर्चे में। और इसी बीच हमें ये भी खबर मिल रही है कि कल पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में ये बताया गया है कि कितना खर्च हुआ है उनके विदेश दौरों पर पिछले साल के दौरान। तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। और ये भी बताया जा रहा है कि अगर आईएमएफ का बेल आउट पैकेज मिल भी जाता है तो फिर से एक बार जून जुलाई के आसपास फिर से आईएमएफ की जरूरत पड़ेगी लोन की। तो ये लोन पाकिस्तान उतारेगा कैसे, ये बड़ा सवाल है। इसलिए हम देख रहे हैं कि आईएमएफ की तरफ से भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने के लिए कुछ स्ट्रिंजेंट कदम उठाने होंगे, और वही कदम फिलहाल पाकिस्तान उठा रहा है। इसी बीच जो जनता पर जो असर है वो सीधा देखा जा रहा है। आपको एक ताजा अपडेट ये भी बता दें कि अगले महीने रमजान शुरू होने वाला है, और जो खबरें पाकिस्तान से आ रही है उसके मुताबिक रमजान का महीना बहुत मुश्किल रहने वाला है पाकिस्तान में जो लोग हैं, पाकिस्तान में जो आवाम है उनके लिए, क्योंकि जो आम चीजों की जो कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम घी की बात करें, जो जीएसटी बढ़ाया है, जो जूसेस की बात करें, या जो खजूर को जिसको इंपोर्ट कराया जा रहा है, इन तमाम चीजों की कीमतें बहुत बढ़ने वाली। तो आम इंसान अगर रोजा रखता है तो जाहिर तौर पर उसके लिए वो बजट मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होगा, जिसकी आमदनी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में है। तो जाहिर तौर पर ये मुश्किल का समय है पाकिस्तान के लिए। और ऐसे में हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को खुद आके कहना पड़ा कि अब उनकी सरकार जो है वो चाय बिस्किट पर चलेगी, यानी कि अब जब मीटिंग्स होंगी तो चाय के साथ सिर्फ बिस्किट ही मिलेगा, और जो पकवान है उसको एक तक लिमिट किया जाएगा। यानी कि इसे समझा जा सकता है कि किस तरह से पाकिस्तान सरकार पर अंदरूनी दबाव बना हुआ है, लेकिन सिर्फ सरकार पर नहीं बल्कि पूरी जनता इस वक्त जो है वो सकते में है, क्योंकि फॉरेन रिजर्व्स जो है वो खाली हो रहे हैं। और ऐसे में इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो ऐसे में डीएचएल जैसी कंपनी
जो ऑपरेशन दुनिया भर में करती है उसको अपने ऑपरेशन लिमिट करने पड़े, वो इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान के पास डॉलर्स की कमी है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि जो मेन एक्सपोर्ट का आइटम जो टेक्सटाइल का है, अगर वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो उसका उसका नतीजे जो है वो हम सभी समझ सकते हैं कि क्या नतीजे इसके होंगे। बिल्कुल शैलेंद्र, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए, और लगातार इस अहम खबर पर तमाम तर जो रिएक्शन है उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका।